हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? होप आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में, इश्फाक हुसैन व्लॉग्स में। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है जिम से। ऑलरेडी सारे यहीं से स्टार्ट होते हैं, जिम से स्टार्ट होते हैं सारे व्लॉग्स। एंड आज है हमारा शोल्डर वर्कआउट। तो आज हम शोल्डर की कोई 5 या 6 गेम्स करेंगे एंड बहुत ही ज़्यादा किलर गेम होगी आज। आज अगर आज का व्लॉग देखेंगे आप तो आप मतलब सोच के परेशान होंगे कि इतना खतरनाक इंटेंस वर्कआउट। एंड अभी हमने किया है वार्म अप, अभी हम करते हैं गेम स्टार्ट। मिलते हैं आपसे आगे एक्सरसाइज में। एंड ये देखो जिम मेरी, बीच बीच में बंदे हैं, वो पीछे होंगे बंदे। एंड ये है मेरी जिम। कोई दिख नहीं रहा, कहाँ गए सारे? तो ये है मेरी जिम जो कि मेरे लिए ही ज़्यादा टाइम खुली रहती है, मुझे ऐसा लगता है। एंड अभी हम वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, फिर आपसे और बहुत सारी ढेर सारी बातें करनी है क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट तो मिल नहीं रहा है, फिर भी मैं आपसे बातें करता हूँ अपने वीडियो के थ्रू। तो प्लीज़ वीडियोज़ लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। चलिए करते हैं फर्स्ट। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी शोल्डर प्रेस, जिसके हमने 4 सेट मारे, 10 to 12 रिपीटेशंस रखी। एंड हर सेट में हमने वेट इंक्रीज़ किया है। एंड लास्ट सेट में हमने 10 रिपीटेशंस निकाली, मिनिमम 10 निकालनी ही निकालनी है। एंड ये वाली जो एक्सरसाइज है हमने बहुत ही मतलब एक अच्छे तरीके से मारने की कोशिश की है, प्रॉपर से फॉर्म बनाने की कोशिश की है। एंड ये वाली एक्सरसाइज शोल्डर के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है क्योंकि मेन एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस ही है। एंड सेकेंड एक्सरसाइज जो मैंने मारी वो डंबल से मारी मैंने, एंड डंबल प्रेस मारे मैंने। एंड इसमें मैंने हैवी वेट से स्टार्ट किया, जितना मैं हैवी वेट मार सकता हूँ। एंड वहीं से मतलब मैंने हैवी वेट के ही 3-4 सेट मारे हैं जिसमें 10 to 12 रिपीटेशंस निकाली हैं मैंने। एंड ये एक्सरसाइज मैंने मारी है डंबल से। एंड उसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है रही वो थर्ड एक्सरसाइज थी हमारी अर्नोल्ड प्रेस। ये मैंने फर्स्ट या सेकेंड टाइम मार रहा हूँ जब से जिम ज्वाइन किए। इसके भी मैंने 4 सेट्स मारे, 10 to 12 रिपीटेशंस रखी हैं। अर्नोल्ड प्रेस मैंने फर्स्ट या सेकेंड टाइम मारी है मैंने ये। एंड इससे थोड़ा सा ना अपर चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आ रहा था मेरे अपर वाली साइड्स, एंड मतलब साइड डेल्टॉइड्स भी मतलब सही इफेक्ट पड़ रहा था, मतलब पूरे शोल्डर पे ही इफेक्ट पड़ रहा था अच्छे से। एंड उसके बाद मैंने मारे साइड रेजेस, जिसके मैंने 4 सेट मारे, 10 to 12 रिपीटेशंस इसमें भी लिए। एंड इसमें हमने थोड़ा सा लाइट वेट दिया, ज़्यादा हैवी वेट जाने की कोशिश नहीं की। एंड इसमें हमने थोड़ा सा लाइट से ही किया। एंड इसमें जो साइड डेल्टॉइड्स हैं हमारे वो ज़्यादा किल होते हैं, फ्रंट भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है और बैक भी इफेक्ट पड़ता है, बट साइड के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है ये वाली। एंड उसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज रही वो रही फ्रंट रेजेस, जिसके हमने 4 सेट मारे, 10 to 12 रिपीटेशंस मारे हमने इसमें। एंड ये जो फ्रंट रेजेज हैं हमारे ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है हमारे शोल्डर के लिए, इससे जो है पूरे मतलब बैक शोल्डर बैक डेल्टॉइड्स फ्रंट डेल्टॉइड्स में भी इफेक्ट पड़ता, बैक में भी एंड साइड में भी, तीनों डेल्टॉइड्स में थोड़ा मतलब जो मेन असर पड़ता है वो बैक डेल्टॉइड्स में पड़ता है एंड फ्रंट और साइड में थोड़ा सा कम। एंड इसके भी हमने 4 सेट मारे, 10 to 12 रिपीटेशंस ली। एंड वेट अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं, जितना भी आप उठा सकते हो वेट। एंड मैंने जो है 7.5 लिया है, इससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज बज रही थी ये वाली। एंड उसके बाद जो हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज मारी वो थे हमारे अपराइट रोज, जिसके हमने 4 सेट मारे, 10 to 12 रिपीटेशंस इसमें भी रखे हमने। एंड अपराइट रोज में हर मतलब जिस दिन भी शोल्डर वर्कआउट होता है, किसी एक दिन ना मारूँ लेकिन ऐसे मैक्सिमम टाइम ये मारता ही मारता हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने श्रग्स नहीं मारने थे तो मैंने सोचा कि ये जो अपराइट रोज ज़रूरी मारनी है मेरे लिए। एंड इसके भी मैंने 10 to 12 रिपीटेशंस ही लिए हैं। फाइनली अपना आज का वर्कआउट ख़त्म हो चुका है, भैया जिम बंद कर रहे हैं, 2 मिनट दिए हैं भैया ने। एंड अब 2 मिनट में हम थोड़ा सा शोकेस करेंगे अपने आप को, उसके बाद फिर हम निकलेंगे। भैया को भी तंग करके लाया हमने। एंड आज था हमारा शोल्डर वर्कआउट, बैटरी लो। एंड आज था हमारा शोल्डर वर्कआउट, ये चेक करें आप, तो
तो आज हमने शोल्डर की मारी है 5 एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 6 7 6 एक्सरसाइज मारी मैंने आज, एंड बहुत ज्यादा मजा आया एक्सरसाइज मारने में। भैया शोल्डर की पोजिंग कैसे करते हैं यार? ये चेस्ट ना मेरी ये वाली जगह नहीं आ रही अभी यार, बड़ा टाइम हो गया ये वाला पोर्शन ज्यादा आ नहीं रहा है, बहुत ज्यादा छोटी चेस्ट, पर हम इस पे बहुत ज्यादा वर्कआउट करने वाले हैं एंड आपको भी दिखाएंगे, बहुत ज्यादा वर्कआउट करने वाले हैं हम इस पे। एंड जिम बंद हो रही है तो भैया लेट हो रहे हैं, मैं भी लेट हो रहा हूँ, तो मिलते हैं आपसे कल एक अच्छे नए व्लॉग में। कल हमारी है लेग्स, एक वाले दिन तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है माना, लेकिन अपनी तरफ से हर एक पार्ट को अच्छे से ट्रेन करना चाहिए ना, कि एक तो एक्सरसाइज के बाद पसीना पसीना हो जाता है ना बंदा, फिर ये थोड़ा टी शर्ट लगना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वीडियोस लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड इससे ज्यादा और क्या बोलूं मैं, हर वीडियो में यही बोलता हूँ। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, कुछ लोग हो सकता है वो मेरे सब्सक्राइबर हों एंड हो सकता है नए भी देखते हैं, तो प्लीज यार वीडियोस लाइक करो, शेयर करो। एंड ये है हमारी फिटनेस आयरन पैराडाइज जिम जो बटिंडी में है, तो आओ आप यहाँ पे ज्वाइन करो एंड अच्छा लगेगा आपको, यहाँ का जो कल्चर इन्वायरमेंट है, यहाँ का जिम का इन्वायरमेंट जो है बहुत ज़्यादा बेहतरीन इन्वायरमेंट है। तो अभी निकलते नहीं तो भैया ने थप्पड़ थप्पड़ मार देने पीछे से। भैया क्या कहते हो आप? मैं तो यही कहता हूँ भैया, देखो देखो अभी भी फ़ोन लगा है कान पे, ये देखो ये देखो। तो अभी फाइनली जिम बंद हो गई है मेरी, मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।